आगे खड़ी हो ना। अनंते, मैंने तेरा गोवा ब्लॉग देखा, फुल मस्ती करके आई है। अच्छा, वो पिंक वाली ड्रेस तू कहाँ से लेकर आई? क्या सही लग रही थी यार वो। पर वो तो ऐसी मिंत्रा से खरीद ली थी और बिना पहन के गई थी ना, उसके टेस्ट चल रहे थे, बड़ा मजा आया। और अब पोस्ट जॉब स्कूल आ गए, इतनी गर्मी हो रही है ना, ऊपर से ही नींद। ताने देखो, इस पीटी टीचर की तरह किसी दिन सीटी बजा दूंगी। गंजा आ जाता है हमारे सर पे ऐसे तबला बजाने। मुझे तो नींद आ रही है। बोली जा रही है, अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो मतलब मैं यहाँ 2 साल से पापड़ तल रही हूँ। अरे मेरी पुरानी सोसाइटी का बेस्ट फ्रेंड था, पर अब मैंने सोसाइटी चेंज कर ली। आदित, आदित, आदित। हाँ, ओके गाइस, ये आपकी आंशी मैम, ये जो साइंस टीचर है आप चली गई थी, इनकी जगह आई है। गिव इट अ अप्लॉज प्लीज। ये नई साइंस टीचर आई है या शीला की जवानी आई है? अब सारे लड़के और वो हमको बस रात ना खत्म हो गई है। सीधी खड़ी हो ना, डांट खाएगी वापस से। यार आ गए क्या? अरे यार, आई थिंक मेरे पीरियड्स आ गए। पीरियड्स? अरे धीरे बोल यार, तू कैसी बचपन है यार, कुछ तो हेल्प कर। आइडिया, चल वॉशरूम चलते, पहले प्रार्थना से निकलना पड़ेगा। तो आ गई हूँ मैं एक और पीरियड्स इन स्कूल वीडियो के साथ। तो मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं, एंड तक वीडियो को जरूर देख देना और जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब वीडियो एंजॉय करो। जल्दी कर, कितना टाइम? ये स्मृति को जो भी चाहिए वो सब है, मैं फटाफट कर लेती हूँ, तू जा। हाँ हाँ, हो गया। तो ये काम में आता है, कभी कभी मेरी स्विमिंग क्लास होती है। सुना तो है मैंने। तो तू भी ऐसा कुछ इमरजेंसी किट रखा कर, क्योंकि मेरी भी डेट आ रही है तो मेरे तो हमेशा बैग में रहता है ये। हाँ वैसे गुड आइडिया। अब एक सजेशन मैं भी दूं तुझे, एक ना अपने साथ बड़ा न्यूज़पेपर रखा कर, थ्रो थ्रो करने के लिए चाहिए होता है ना यार। हाँ, न्यूज़पेपर और लाइक पॉलिथिन, ये रख लूंगी मैं नेक्स्ट टाइम से। हाँ ठीक है, चल चलते हैं, बहुत लेट हो रही है इसकी क्लास के लिए। ऐसे कैसे बाथरूम में और कांड नहीं किया? तू मार कर लाइक ना दे जाते। ये जैक कौन है? वो तो मेरे को भी नहीं पता, बट नंबर भी डिजर्व है। अब सब लड़के होने पर शान करेगी। अबे कुत्ती बड़ी तेज है तू, चल चल चल। यार ये बहुत बुरा लग रहा है यार, आदित्य ने मेरे को पहचाना तक नहीं। पहचाना नहीं, उसने तुझे घास से डाला है इसलिए बुरा लग रहा है। हम लोग बचपन से बेस्ट फ्रेंड है, एक ही सोसाइटी में थे, हर दिन साथ में खेलते थे। आज बेस्ट फ्रेंड, कल बॉयफ्रेंड और फिर परसों हस्बैंड। ओ बैंड बाजा बारात, तेरी सुई क्या एक ही जगह अटकी रहती है। तुम जैसे लोगों की वजह से ना, ऐसे लोग बोलते हैं कि लड़का और लड़की दोस्ती नहीं करते। किसका पीरियड चल रहा है? मैम मेरा। मैम मेरा भी चल रहा है। मैम मेरा आज ही शुरू हुआ है। बदतमीजो, उन पीरियड्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं। किसकी क्लास है ये बताओ? मैंगो नई साइंस टीचर की क्लास है। तुम्हारी 10th भी सबसे बदतमीज क्लास है, वो आ रही है अभी। बिहेव, ओके? अरे अरे शिजुका, आदित्य, पहचाना तूने? अरे नहीं 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 नहीं, असेंबली में मैं तेरा नाम आदित्य चिल्ला के पागल हो गई। नहीं इससे पूछ, ये कह रही थी मैं तेरे को लाइन मार रही हूँ, मैं तेरे को लाइन मार रही हूँ, मेरा दोस्त नहीं। अरे अरे रुक जा यार, पहला दिन है स्कूल का, खामखा पनिशमेंट मिल जाती। अरे यार इम्प्रेशन खराब हो जाता सबके सामने। हाँ तेरा खाक इम्प्रेशन है। ओ,
गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। वाओ मैम, तो बड़ी बड़ी हाइप पाए हैं। मैचिंग वॉच, मैचिंग इयररिंग्स, मैचिंग नेकलेस, मैचिंग लिपस्टिक। अगर पीटी टीचर लाइव मार रहे हैं। Who did this? ऐसे स्वागत करोगे नए मैम का? किसने किया? कोई बात नहीं सर, I'll manage, no problem. और ये नहीं, हल्का नहीं चलेगी। जी सर। किसने बनाई ये ड्रॉइंग? किसने बनाई? मैं इससे ज्यादा भद्दी और फौंदर दिखती हूँ। हाँ यार, ये देखो, ये कमर थोड़ी और मोटी नहीं कर देनी चाहिए? और मेरे हाथ थोड़े ऐसे है ना, मैं तो इससे भी बड़े कार्टून दिखती हूँ। ये कार्टून तो कुछ भी नहीं, थोड़ा और फैला देते और फिर मैं लगती मोटी मैडम। पहली बार हमारी कोई अच्छी साइंस टीचर आई है। मैम, यस प्लीज। ये सब तो ठीक है, पर आप परमानेंट हो या टेम्पररी हो? मैं तो परमानेंट हूँ, बट क्यों? मैम, वो पिछले हफ्ते एक टीचर आए थे। अरे चुप रहो यार, टीचर देखो। और तू तुम्हें भी साथ में लेके चले जाते। हर दिन तू बिना पिटाई के जाती नहीं है ना, लगता है डोज की जरूरत है तेरे को। क्रश देना? नहीं मैम, नहीं नहीं नहीं। कोई बात नहीं, स्कूल में मेरा भी क्रश था। मैं हूँ आंशी, तुम्हारी साइंस की न्यू टीचर। मैं चाहती हूँ तुम लोग मुझे टीचर ना समझो, दोस्त समझो, मेंटोर समझो। और साइंस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो ना, बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? यस मैम। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। नहीं तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है मुस्कान। क्यों, मुझे क्वेश्चन पूछना है यार। नहीं तो खड़े होकर क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है। अरे पूछने दे यार, डाउट क्लियर करना है। नहीं देखो, नहीं करना कोई डाउट क्लियर। अरे क्या हुआ बताओ ना। मैम इसको ना पीरियड स्टेन हो गया है। पीरियड स्टेन? मैम थोड़ा धीरे, इधर बॉयज भी है ना। क्यों, ये तो बहुत नॉर्मल बात है और ये तो सबको होता है। मुझे लगता है आप सबको पीरियड्स की गाइडेंस चाहिए। मैम मैं जाता हूँ। क्यों, आप क्यों जा रहे हो? अरे आप लड़कों को तो सबसे ज्यादा जरूरत है पीरियड्स के बारे में जानने की। मुझे थोड़ी ना होते पीरियड्स से। अबे अगर तू पीरियड्स के बारे में जान लेगा तो अपनी मम्मी, बहन, कोई दोस्त की हेल्प कर देगा तो क्या कुछ सत्यानाश हो जाएगा? देखो बहुत ही सिंपल है। देखो ये चौक है, नॉर्मली हर जगह अवेलेबल होती है। मुस्कान आप खड़े हो, ये देखो चौक लिया और ऐसे रब कर दिया। देखो ये फेड हो गया है ना। हाँ। कितना इजी है मैम। चौक तो सिर्फ मारने के और खाने के काम आती थी, एक और काम आ गया, और पढ़ाने के भी है ना। चलो और एक और चीज, सेफ्टी पिन। सबको पता है क्या होती है, सबके घर में इजीली अवेलेबल होती है। बॉयज सेफ्टी के लिए रखा करो, गर्ल्स तो रखती है। सेफ्टी पिन लेंगे और ऐसे करके इसको फोल्ड करके ड्रेस में पीछे, सबको दिख रहा है ना? Yes. ये देखो ऐसे सेट हो गया और आपका पीरियड स्टेन छुप गया। कितना इजी है। मैम के लिए तालियां। थैंक यू मैम। अनंत्या आप ये सारी बुक स्टाफ रूम में लेकर आइए और मुझसे मिलिए। बाय बाय क्लास। इसकी राइटिंग तो समझ ही नहीं आता क्या लिखता है। इसकी राइटिंग से अच्छी तो मेरी मैगी के नूडल्स है, केचुए जैसे लिखा हुआ है। चतुर्वेदी सर बड़े फनी हो आप। चतुर्वेदी सर? नहीं नहीं मैडम, ने बड़ी धूम मचा रखी है क्लास में। पीरियड्स के बारे में ज्ञान दिया जा रहा है, वो भी खुलेआम। अरे संस्कृति संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? लड़के भी है क्लास में, वो भी सुनते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर? मैडम धमाल बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पेरेंट्स से बात करने में तो बच्चे शर्माते हैं, पेरेंट्स और बच्चे आपस में इस टॉपिक पर बात ही नहीं करते हैं, तो एंड में मैम बचता कौन है घूम फिर कर? हम टीचर। अगर हम टीचर ही इस टॉपिक के ऊपर खुलकर बात नहीं करेंगे तो उन बच्चों को एजुकेशन और अवेयरनेस कौन देगा? मैम माफ कीजिएगा मैम, मैं साइंस की टीचर हूँ, ये मेरी ड्यूटी भी है और सब्जेक्ट भी। बस बस आपके स्कूल में चलता होगा ये लाली लिपस्टिक, सजना दजना, मैचिंग करके साड़ियाँ पहनना, यहाँ नहीं चलता। आप किसके साइड हैं चतुर्वेदी सर? हाँ, पीरियड्स की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताइए सर।
अखिलेश सर मैं भी आया, वो अखिलेश सर बुला रहे हैं। चंपाकली मैम, कभी कभी तो लगता है हम बच्चों से ज्यादा ना टीचर्स को अवेयरनेस की जरूरत। मैम ये बुक्स कहाँ रखो? चंपाकली मैम के डेस्क पे रख दो। अब कुछ लड़कियों को ही देख लीजिए, स्कर्ट पर दाग लगे होते हैं और होश ही नहीं होता, और फिर अगले दिन आएंगी और बोलेंगी मैडम हमारी तो ड्रेस गंदी हो गई थी इसलिए हम विदाउट यूनिफॉर्म आए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तभी तो अवेयरनेस चाहिए मैम, इतना तो मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है, क्यों अनन्या बताओ जरा। हाँ मैम, अगर आपको स्टेनी लगाना है तो बहुत सिंपल है, अपनी स्कर्ट ऐसे ऊपर करो और नीचे बैठ जाओ, तो अगर आप स्कर्ट पे बैठोगे ही नहीं तो स्टेनी नहीं लगेगा, सिंपल। आपको भी ट्राई करना चाहिए मैम। शट अप। मैम मैं जाऊँ? निकलो। और मैम जंक फूड नहीं खाना चाहिए। गेट आउट। क्या हो गया, बॉट क्यों रख रखी है? ये फर्स्ट डे है ना तो काम कुछ ज्यादा ही होते हैं, अब हॉट वाटर बैग तो है नहीं तो इसी से काम चला लेती हूँ और काफी रिलैक्स मिलता है, तो ट्राई करेगी? नहीं ट्राई तो बाद में करूंगी, अभी मैं खाना खा रही हूँ। वैसे तू क्या लाई है खाने के लिए? मैं तो मैगी लेकर आई हूँ। अच्छा खा, मैगी खा और जंक फूड खा ताकि जो तेरी ये पीरियड क्रैम्स और प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाए। आई नो मैं ऐसा कह रही हूँ तो बहुत अनयूजुअल है, मैं कुछ नहीं खाती हूँ, पर ऐसे टाइम्स में तो देखो हाइड्रेटेड रहना चाहिए और हेल्दी फ्रूट्स और सारे वेजिटेबल्स खाने चाहिए। सारे वेजिटेबल्स देखो तो कौन बोल रहा है। अरे तो मैं कह तो रही हूँ मैं वैसे नहीं खाती हूँ, बट इस टाइम पे चलो 3-4 दिन एक्सेप्शन कर लेती हूँ एक महीने में। तो फिर ठीक है, कल चल मखाने तल के लाऊंगी और हेल्दी फूड लेकर आऊंगी। अरे चल अनन्या खेलना है, चल 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 चल। ओ हेलो, वो मेरे साथ बैठी है ना, मेरे साथ खाना खा रही है, तो फिर कैसे कैसे चल जाए? उससे बात की, चलो अनन्या बोलने दे इसे। अरे ऐसे कैसे चल जाएगी, वो मेरी दोस्त है। पूछा मैंने तुझसे एक बार भी? अरे तू क्या रोकेगा मुझे, मैं इसकी 2 साल से BFF हूँ और स्कूल बंक से लेके लेक्चर बंक तक मैंने इसका साथ दिया है, लंच ब्रेक से लेके सुसु ब्रेक तक मैंने इसका साथ दिया है, 11th में हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे वो भी हमने चूज कर रखा है, और यहाँ तक कि हमने दूल्हा भी डिसाइड कर रखा है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब मतलब कौन से शहर के दूल्हे से शादी करेंगे वो भी डिसाइड कर रखा है। तो ठप्पा लग गया तुम्हारी BFF का, गुलाबी नोट हूँ ऐसे नहीं जाऊंगा। बंद हो गए, चल निकल यहाँ से। अबे चवनी चगल की मुंह बंद कर, मेरे साथ जाएगी चल। वो मेरे साथ जाएगी? अरे मेरे साथ जाएगी। अबे वो बंदर की शक्ल के, चल वो मेरे साथ जाएगी। अरे मेरे साथ जाएगी। अरे बस अभी इतना खींच खींच के मेरे हाथ लंबे कर दोगे, मैं तुम्हारी भी फ्रेंड हूँ और तुम्हारी भी फ्रेंड हूँ, रहना है तो साथ में रहो नहीं तो मैं भी चली। अरे 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 ठीक है ठीक है। हाँ ठीक करो जब दोनों अच्छे से टेंथ बी वो शीशे पे वॉशरूम के किसी ने मेरा नंबर लिख दिया। किसने लिखा होगा तुम लोग को पता है? वो दोस्त है, बताए या ना बताए? क्या है? बता देगा ना? क्या बता देते हैं? नहीं किसकी बारे में बात हो रही है? वो सर सपना ने ना आपका नंबर लिख दिया था और हमें बोला था कि ना बताएं, अब उसे ये मत बताने कि हमने आपको बताया, नहीं तो वो हमें बहुत मारेगी। अरे सर सपना ने लिखा है? सर मैंने अपनी खुद आंखों से देखा था जब मैं वॉशरूम जा रही थी। कहाँ ने दोस्त को पीटी क्लास में सीटी ना बजा देना, मेरा नाम भी टकला चतुर्वेदी नहीं। लंच भी खराब हो गया तुम्हारा, चल ले। अब तो सपना की सीटी लजे ज्यादा बन रही थी आज, चल चल चल। टेंथ में प्रेजेंट सर। यो सर। मैम ये ना पूरे स्कूल की सबसे नालायक क्लास है, स्पोर्ट्स में जीरो, पढ़ाई में जीरो। हाँ भाई तो क्या खेलेगा? सर डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ बास्केटबॉल में। इसको बास्केटबॉल में डालते मैडम जी। मैं लड़कियां नालायक हैं, 1, 2, 3 सबकी सर, इनको लंगड़ी खिलवा लो, फुगड़ी टांग खिलवा लो। सर आप वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ हूँ, मतलब मैं बहुत एनकरेज करता हूँ आप जैसी वुमेन्स को, मतलब अच्छा करते हैं बच्चे तो। बिल्कुल सर, लड़कियां बहुत अच्छी करती हैं। वेरी गुड। चलो अपना नाम लिखवाओ अपना, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? मैम लेकिन आप यहाँ स्पोर्ट्स में क्या कर रही हो, आप तो साइंस टीचर हो। मैं आप सबको एज अ वॉलंटियर सपोर्ट करूंगी। सो गर्ल्स रेडी? नो मैम, हमसे तो नहीं खेला जाएगा। क्यों? देखा
कहा था कुछ नहीं करना, कोई काम। अरे सर करेंगी, गर्ल्स क्या हो गया, मेरे से एनर्जी क्यों नहीं करना? मैम क्योंकि पीरियड्स चल रहे हैं ना हमारे। हाँ तो क्या? एक मिनट, क्या बोला अभी तुमने? ये बोलने की बातें होती है मैडम के सामने? अच्छा लगता है, यही संस्कार है, यही संस्कृति है। सर क्या हो गया, पीरियड से तो बोला है। मैम ने तो हमें बोला कि खुल के पीरियड्स के बारे में बात कर सकते हैं सबके सामने। ये तो नॉर्मल चीज है। नॉर्मल है। मतलब मैं जस्ट बोल रहा था, बॉयज को भी पता है, बॉयज भी हेल्प करेंगे आगे से। गर्ल्स अपना नाम बताइए। गर्ल्स सर मैं हूँ अनंत्या और चलो मैं भी बास्केटबॉल खेल लूंगी। फुटबॉल अनंत्या, फुटबॉल जी। और मैं मुस्कान, मैं बैडमिंटन खेलूंगी। वेरी गुड, बैडमिंटन। और सपना तो? मैम वो तो सबके दिल से खेलती है, ऋतिक के। अच्छा जोक्स अपार्ट, जो सब लोग खेलेंगे वो मैं खेलूंगी, मतलब बैडमिंटन। अब आप लोग जा सकते हैं और मैम के साथ ट्रेनिंग कीजिए। मैम आप भी चले जाइए उनके साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, आओ बच्चों चलो गेम्स खेलते हैं। ठीक है तो गेम्स के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं बास्केटबॉल में, लाइक आपको ना अच्छे से जंप लेना होता है। तो हाँ फिर भी समझा रही हूँ आपको। आदित्य, आदित्य हाँ, मुस्कान का पीछे देख, उसका सीन वापस दिख रहा है क्योंकि उसने कहा तो उसका फर्स्ट डे में हैवी फ्लो होता है। अनंत्या मैं वॉशरूम चल रही हूँ, तू चल रही है क्या? अनंत्या कम पास, मेरा फर्स्ट रोल कॉल है, मेरे को जाना पड़ेगा। फुल एनर्जी के साथ बॉयज को एकदम पीछे छोड़ देंगे। आदित्य तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? नहीं बता सकता यार, सॉरी। तू क्यों आ रहा है? मैं बोल रही हूँ ना। अरे मेरी मर्जी। आदित्य अब क्यों मेरे साथ अंदर आएगा? मैं बता दूँ तेरी बेस्टी अनंत्या को कि तू कैसा दोस्त है। ए यार आज का फर्स्ट डे खराब है, सुबह दोस्त मार रही है, अब किसी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मार रही है, भलाई का जमाना ही। मैम टेबल टेनिस खेलना था आपको, मेरे टेबल टेनिस बल्ले ही नहीं पड़ता है। बहुत अरे बहुत इजी है। अनंत्या, अनंत्या तू अपने बेस्ट फ्रेंड को समझा ले, कब से चिपक चिपक के मेरा पीछा करने जा रहा है, ऐसा बेस्ट फ्रेंड है तेरा? अरे मुस्कान अगर वो तेरे पीछे नहीं चलता ना तो पूरा स्कूल तेरे पीछे पड़ जाता, देख अपने पीछे। क्या क्या पीछे? ओह शिट। अरे घबराने की बात नहीं है, वो तेरे को वॉशरूम आ रही थी, मेरा नंबर आ रहा था मैम का समझाने का, तो मैंने वो ही सोचा जो मेरे को सबसे पहले समझ में आया, तो मैंने आदित्य को तेरे पीछे प्रोटेक्ट करने के लिए भेज दिया और उसने वो ही किया जो हर समझदार लड़का करता है और इसने जड़ दिया। ग्रेट वर्क मैम। अब एक ग्रेट वर्क मैं करने वाला हूँ, मैं इन दोनों की दोस्ती से दूर होने वाला हूँ क्योंकि मुझे हर बार निपटना। अरे आदित्य, आदित्य सॉरी यार, माफ कर दे फ्रेंड्स। हाँ ठीक है फ्रेंड्स। ओ फ्रेंड्स इधर आइए, चलिए कम ऑन। मैम मेरे को नहीं लगता हम और प्रैक्टिस कर पाएंगे मैम ऐसे, क्योंकि मैम हमारा फ्लो इतना रहता है फर्स्ट टू डेज में, तो फिर इतना ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, तो अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, तो मेंस्ट्रुएशन कप को यूज कर सकते हो, तो आपको मोटिवेटेड फील होगा, कम्फर्टेबल भी। ठीक है ओके। हाँ मैम अब कल से मैं अपने इमरजेंसी किट में वो रख लूंगी। यस अब चलो प्रैक्टिस करते हैं। यस प्रैक्टिस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप अवेयरनेस के साथ बहुत ज्यादा मजा भी आया हो, और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जल्द से जल्द लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर देना, माय मिस आनंद पे यही मेरी आईडी। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।